ये है एक्सरसाइज 7.2 प्राइमर, ठीक है, नाइन्थ क्लास है, प्राइमर चैप्टर चल रहा है। तो 7.2 का फिफ्थ क्वेश्चन है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। बुक में ऐसा फिगर बना हुआ है, बोला गया है कि ए बी सी एंड बी डी सी, ए बी सी एंड बी डी सी क्या है, दो ट्रायंगल है। लेकिन ये कैसे ट्रायंगल है, ये है आइसोस्केल ट्रायंगल, आइसोस्केल ट्रायंगल, ठीक है। अब तुम्हें पता होना चाहिए कि आइसोस्केल ट्रायंगल क्या होता है। आइसोस्केल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होते हैं जिनकी अपोजिट साइड, ये जो सामने सामने की जो साइडें होती हैं वो क्या होती है, इक्वल होती है। और जो इक्वल साइडें होती हैं ना दोनों, उनके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी कि मान लेते हैं ये एंगल 1 है और ये एंगल 2, ठीक है ना। सिमिलरली इस वाले ट्रायंगल में भी इसको मान लेते हैं कि 3 है और ये मान लेते हैं कि 4, ठीक है, बात समझ आ रही। तो यहाँ पर क्या है, ये साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। और ये साइड अगर इक्वल है तो ये 3 और 4 एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब यहाँ पर देखो, ए बी सी एंड बी बी सी आर टू आइसोस्केल ट्रायंगल, ऐसा अपने गिवन में लिख दिया, ठीक है ना। चाहो तो और भी लिख सकते हो, जैसे ए बी इक्वल टू ए सी लिख सकते हो, हैं, और क्या लिख सकते हो, बी डी इक्वल टू सी डी लिख सकते हो, ठीक है, बता दिए। अब तो प्रूफ में क्या प्रूफ करना है, ये जो पूरा एंगल है बी और ये जो पूरा एंगल है सी, ठीक, ये एंगल भी क्या है, इक्वल। तो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन, ध्यान से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी बी है, क्या हम जानते हैं कि ए बी इक्वल टू ए सी है, किस ट्रायंगल की बात हो रही है, इस ट्रायंगल, ठीक है ना। तो हमने पढ़ा है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट इक्वल साइड, इक्वल साइड्स आर इक्वल, आर इक्वल। कहने का मतलब है कि अगर किसी ट्रायंगल की, अगर जैसे मान लीजिए ट्रायंगल है और इसकी अपोजिट साइड क्या है, इक्वल है, तो इनके जो सामने वाले एंगल होते हैं, मान लीजिए ये 1 एंड 2 है, तो एंगल 1 इक्वल टू क्या होगा, एंगल 2। ऐसा हमने छोटे क्लासों में पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। इससे तो 9 में हो, तो ये मानते हैं कि तुम्हें ये सारी चीजें आती होंगी, और नहीं आ रही तो हमें बताइए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, तो ए बी के सामने, तो देखो ए बी इक्वल टू ए सी है, ए बी इक्वल टू ए सी, तो इनके सामने का एंगल क्या है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल। क्वेश्चन फर्स्ट वन, सिमिलरली इन ट्रायंगल बी डी सी, बी डी सी, या क्या नाम था उस ट्रायंगल का, जैसा उन्होंने किया वैसे भी तो बी बी एंड सी, इसमें भी क्या है, बी डी इक्वल टू सी डी, बी डी इक्वल टू सी डी, ठीक। तो क्या हो जाएगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। इसको क्वेश्चन सेकंड मान लो, ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड सेकंड को ऐड कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशंस फर्स्ट का लेफ्ट साइड और सेकंड का राइट साइड, नहीं, इक्वेशन फर्स्ट का लेफ्ट साइड और सेकंड का लेफ्ट साइड, लेफ्ट लेफ्ट हैंड को लो, राइट राइट हैंड को लो। तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 3 इक्वल टू इधर क्या है, 2 प्लस 4, ठीक है, 2 प्लस 4। तो 1 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 1 प्लस 3 क्या हो जाएगा, एंगल ए बी डी क्या हो जाएगा, ए बी डी। और ये क्या हो जाएगा, 2 और 4 ये हो जाएगा ए सी डी, क्या हो जाएगा, ए सी डी, हैंस प्रूफ। और ये ही प्रूफ करना था, ठीक है ना। अगर कहीं कोई लाइन समझ नहीं आती तो वीडियो को पॉज करके फिर से पीछे बैठ करके देखो और समझने की कोशिश करो, ठीक है ना, ठीक है बेटा।